हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब कर्ण ने पांडवों के ऊपर घमासान आक्रमण किया, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज के ऊपर उनका आक्रमण केंद्रित था। युधिष्ठिर महाराज के सारथी ने युधिष्ठिर महाराज को बचाने के लिए उनके रथ को रणभूमि से ले गए और अर्जुन चारों तरफ युधिष्ठिर महाराज को ढूंढ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को रणभूमि से गायब देखकर अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण को संकेत किए और अपने कैंप में पहुंच गए। जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को आते हुए देखा, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन क्या कर्ण की हत्या हो गई? अर्जुन ने कहा, प्रभो मैं तो केवल आपके सुरक्षा की आशंका से यहां पर आया हूं, कर्ण की हत्या नहीं हुई। युधिष्ठिर महाराज उच्च स्वर में बोले, अर्जुन तुम कायर हो। अर्जुन घबरा गए, बोले यार मुझे कायर क्यों कह रहे? अर्जुन तुम तो इतने बड़े कायर हो, मैं तो तुम्हें क्षत्रिय माना, लेकिन तुम्हारे गांडीव कोई काम का नहीं, क्योंकि तुम कर्ण से भयभीत होकर भागे हो। अर्जुन क्रोधावेश से पागल हो गए। अर्जुन कृष्ण को कहने लगे, हे कृष्ण, मैंने संकल्प लिया था, व्रत लिया था कि जो गांडीव की आलोचना करेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा। अपने गांडीव पर बाण धारण करके अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के ऊपर निशाना लगाकर उनको हत्या करने वाले थे, तभी कृष्ण बीच में आ गए और कहने लगे, हे अर्जुन ये क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं शास्त्र के अनुसार हत्या करने के कई दूसरे तरीके होते हैं, केवल धनुष बाण से नहीं? अर्जुन ने कहा, और दूसरे कौन से तरीके होते हैं? कृष्ण ने कहा, जब तुम दूसरों को गाली देते हो वो अपमान उनके हत्या के बराबर है। युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर दो, हत्या के बराबर है। अर्जुन ने विचार कर करके पूर्व काल में जो कुछ भी उनके मन में कोई भी क्रोध की भावना थी वो सब उस समय युधिष्ठिर महाराज के समक्ष निकाल डाला और इतने उच्च स्वर में युधिष्ठिर महाराज की भर्त्सना करने लगे, आलोचना करने लगे। आधे घंटे आलोचना करने के बाद युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर पड़े, बिलक बिलक कर रोने लगे। कृष्ण को कहने लगे, प्रभो मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने पूजनीय भ्राता श्रेष्ठ को इस प्रकार से गाली दिया। अब मेरे मन में एक दूसरा विचार उत्पन्न हो रहा है कि मैंने उनका इतना अपमान किया, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। कृष्ण घबरा गए, बोले यार इतना गीता मैंने सुनाया, केवल दूसरे पांडवों को और अपने मारने के लिए नहीं, कौरवों को मारने के लिए। अर्जुन ने कहा कि अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन आप जानते नहीं क्या, जिस प्रकार दूसरों की हत्या करने के कई तरीके होते हैं, आत्महत्या करने के भी कई दूसरे तरीके होते हैं। अर्जुन विस्मित हो गए, कहने लगे, अरे आत्महत्या करने के दूसरे कौन से तरीके हैं? कृष्ण ने कहा, जो अपनी स्वयं की बड़ाई करे, जो अपनी ही प्रशंसा करे, वो आत्महत्या के बराबर है। अर्जुन उसी क्षण अपनी प्रशंसा करना आरंभ कर देते हैं और आधे घंटे के प्रशंसा के बाद कृष्ण ने कहा, चलो बहुत हो गया, आत्महत्या हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप से युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच जो कलह की चिंगारी उत्पन्न हुई थी उसको उन्होंने बुझा दी। इस कलयुग में संबंध को बनाए रखना बड़ा कठिन है। बिना क्षमा की भावना के दो जीव आपस में प्रेम का समन्वय साधकर जीवन व्यापन नहीं कर सकते। इसलिए भागवत वर्णन करता है, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमध्य में कृतागसोपि यन राजन मंगलानि समीहसे। दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये अम्बरीश महाराज वास्तव में वैष्णव हैं, क्योंकि इनके हृदय में क्षमा का एक महासागर निरंतर आंदोलित हो रहा है। और मैं देख के कह सकता हूँ कि मैंने उनके अमंगल की कामना की, उन्होंने मेरी मंगल कामना की। इसको देखकर मैं इनके क्षमा की भावना के सामने नतमस्तक हो जाता हूँ। आइए हम अपने जीवन में अपने प्रियजनों के, समाज के हर श्रेणी के व्यक्ति के साथ संबंध को सुधारने का प्रयास करें और उस संबंध सुधार प्रणाली में क्षमा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है, बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन में क्षमा को जोड़ें,
और क्षमा के भावना से अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।